हरियाणा विधानसभा चुनाव आते आते एक दूसरे की मुरीद हुई भाजपा कांग्रेस। भाजपा ने चुनाव से पहले घोषित किया मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने सीएम की दावेदारी पर कहा सर्वदल चुनेगा नेता। कांग्रेस ने 3 महीने पहले उम्मीदवारों के चयन की शुरू की प्रक्रिया। भाजपा से पहले कांग्रेस ने कर दी घर घर पहुंचने की तैयारी। अब की बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचकारी होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में पुराने मसौदे से अलग बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। सबसे अलग तो यह कि इस बार का विधानसभा चुनाव पहली बार लोकसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा व कांग्रेस के बीच लड़े जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी खास बात यह कि भाजपा और कांग्रेस बेशक एक दूसरे को 100 बार कोसते हों, परंतु एक दूसरे की रणनीतियों के मुरीद होते जा रहे हैं। हर बार कांग्रेस अपना सीएम चेहरा सामने कर चुनाव लड़ती आ रही है, परंतु इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव एकाएक राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का चुनाव हो गया है। मुख्यमंत्री के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा, सभी ने एक सुर में अब की बार कांग्रेस का नारा बोलना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने अब की बार कांग्रेस की रणनीति अपना ली है। यह वो नीति है जो इस बार कांग्रेस ने छोड़ दी है। इस कांग्रेस की नीति को ही अपनाते हुए पंचकुला में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भाजपा की घर घर मोदी पन्ना प्रमुख का घर घर दस्तक रणनीति को कांग्रेस ने अपनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचने की कवायद का ऐलान कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज की चुनावों में भागीदारी को कांग्रेस ने भी बेहतर मानकर अपना लिया है। चुनाव से 3 महीने पहले ही कांग्रेस ने टिकट की चाहत रखने वाले नेता कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगने के साथ ही उन्हें बड़ी जिम्मेवारी भी सौंप दी है। टिकट की मंशा रखने वाले कार्यकर्ता और नेता दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए मैदान में उतरने लगे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उन्माद को भी 2014 में 2019 की बनिस्पत इस बार कांग्रेस अपने लहजे से ही मापने लगे हैं। अब बात करें कांग्रेस की अंतर्कलह की, तो कांग्रेस का यह वायरस अब भाजपा में भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। जबकि कांग्रेस में गुटबाजी व भीतरी घमासान पर शीर्ष नेताओं ने अंकुश लगाने पर काम शुरू कर दिया है, जिसका बेहतर परिणाम कांग्रेस को दिखाई भी देने लगा है। राहुल गांधी की हिदायतों और तेवर का असर यह कि हरियाणा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर विराम लग गया है। दूसरी ओर भाजपा में गुटबाजी तो नहीं उभर रही, परंतु अंतर्कलह सिर चढ़कर बोल रहा है। यह माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के शासनकाल में भाजपा के कई दिग्गज उनकी चाहत का ऐसा शिकार हुए हैं कि अभी तक उभरने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इनमें प्रदेशाध्यक्ष रहे ओपी धनखड़, वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु, गृह मंत्री रहे अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह और कई ऐसे नेता हैं जो अंतर्कलह को दर्शा रहे हैं। अब सवाल यह कि 10 साल सत्ता में यही भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। ये देखिए, उन्होंने एक बात कही है कि हम पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमुटाव या थोड़ा बहुत भेदभाव है, उसको पीछे छोड़ते हुए पार्टी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में इकट्ठे होकर के हम लड़ाई लड़ें और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब सवाल यह उठ रहा है कि 10 साल तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी को अब हरियाणा में अपनी रणनीति को क्यों बदलना पड़ रहा है। आने वाले 90 दिनों में क्या गतिविधियां रहेंगी यहाँ पर? 90 दिनों का एक रोड मैप
सबको दिया गया है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर की बैठकें, सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ अपने अपने मंडलों के अनुसार, बूथों के अनुसार, प्रकोष्ठों के अनुसार, मोर्चों के अनुसार बड़ी बैठकें करेंगे और एक चुनाव का जो माहौल है वो हम उसको तैयार करें। सवाल यह भी कि कांग्रेस अब पुराने ढर्रे को छोड़कर नई रणनीति से चुनाव मैदान में उतरने को तैयारी में क्यों है? इन सवालों का जवाब लोकसभा चुनाव में हरियाणा के परिणामों में छुपा है। 10 सीट लोकसभा की थी हरियाणा से, हमारे पास एक भी नहीं थी, 10 में से 5 आ गए। भाई आधा तो मोर्चा जीत लिया आपने, लेकिन असली मोर्चा तो अभी बाकी है भाई। 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें आपने देखना है। देखिए हम कह चुके हैं, वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, बातें अध्यक्ष जी ने सारी बता दी आपको, घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें बहुत सारी बातें हम लिखेंगे फरीदाबाद की भी और भी, लेकिन मोटे मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं। जो हमारी सरकार बनेगी तो आते ही हम करेंगे, वो क्या है, हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की तो भाई सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और जो एक महंगाई का कारण है बिजली जो है 300 यूनिट फ्री करेंगे हम, ताकि लोगों की महंगाई से मार बचा जाए। 2014 में गैस के सिलेंडर का भाव 400 रुपए था, अब हो गया 1200, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर का भाई भाव 500 से ज्यादा नहीं होगा। दरअसल 90 विधानसभाओं में 46 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को शिकस्त मिली है। 10 साल राज करने के बाद ये हार कांग्रेस को 0 से 5 तक ले आई और भाजपा को 10 से 5 तक सिमटा दिया। 5 सीटें उनके पास है, 5 हमारे पास है, जो आंकड़े हैं 44 विधानसभा सीटें हमने जीती हैं, 42 सीटें उन्होंने जीती हैं, पोल परसेंटेज हमारा उनसे ज्यादा है, तो वो कहाँ जीतने की बात कर रहे हैं, जीते तो हम हैं। और कार्यकर्ताओं से कहा है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर ये पोल प्रतिशत भी बढ़े और सीटें भी बढ़ें, 44 से आगे बढ़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बिना किसी बैसाखी के हरियाणा प्रदेश के अंदर बने, इस बात का आह्वान चाहे वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी थे, चाहे भाई अमित शाह जी थे, उन्होंने इस बात का एक ऐलान किया। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का हरियाणा में यह परिणाम सत्ता विरोध लहर के कारण सामने आया है। 2019 में अब की बार मोदी सरकार और मोदी नहीं तो कौन के नारे अब छीण पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाने वाला नॉन जाट वोट बैंक भी अब थामे रखने की जरूरत पड़ने लगी है। ऐसे में गैर जाट प्रतिनिधित्व को चुनाव से पहले ही घोषित कर अमित शाह ने इस बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर राजनीति के जानकारों का मानना यह भी कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो मुहिम चलाई उससे भी भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार उनका झूठ, उन्होंने लोगों को, कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, पूरी जनता हमारे साथ है, कुछ लोग जो बहकावे में आए थे वो भी समझ चुके हैं कि ये केवल झूठ फैलाने के लिए, भ्रमिक प्रचार करने के लिए। और आज स्टेज से भी आपने सुना कि बार बार घोषणा की गई कि जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण कोई व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इसके लिए बारे में। अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 90 में से 60 सीट पाने का दावा किया है। 2019 में 75 पार का नारा था, दूसरी ओर कांग्रेस ने अब की बार 70 पार का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, भाजपा व कांग्रेस की कुल मिलाकर 130 सीटों पर दावा सवार है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल व जननायक जनता पार्टी भी 90 विधानसभाओं में
उम्मीदवार उतारने को तैयार है। आम आदमी पार्टी भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के परिणाम से उत्साहित है। चर्चा यह है कि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतार सकती है। इसके अलावा निर्दलियों की भी बड़ी फौज देखने को मिल सकती है, जिनमें बागी और अंतरकलह का शिकार नेताओं के चहेते भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस की ओर से एक दूसरे की रणनीतियों को अपनाकर लड़े जाने वाले अब की बार के विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।